एंड थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल लीजिए और ऑयल को थोड़ा सा, और ये आप ले लीजिए, इसको भी थोड़ा सा इसमें कलहार लेना चाहिए, कलहार मतलब ऐसे इसमें फ्राई कर लेना चाहिए चने का, निमोना बनाने के लिए। चने जो पीसे थे मैंने, इनको मैं फ्राई करूँगी, हाथ से थोड़ा सा खुशबू आ जाएगी। जब ये बनता है ना तो बहुत सुंदर इसमें खुशबू आती है, अगर भून देंगे तो। ये ऐसे से थोड़ा सा भून लेना चाहिए, ये निमोना बना रहे हैं तो फ्रेंड इसको भूनना जरूर चाहिए, अति आवश्यक है ये, क्योंकि भूंजे बगैर तो अच्छा लगेगा ही नहीं, तो इसको भूनना वेरी इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड इसको मैंने इसको इसमें डाल दिया है थोड़े से तेल में, और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि निमोना जो है जब बनाते हैं हम लोग तो देहाती अंदाज में जब बनाते हैं तो इसको तेल में फ्राई कर लेना चाहिए, जो चने हैं पिसे हुए उनको थोड़ा सा फ्राई कर लेना चाहिए, जिससे कि इसकी जो मतलब कि खुशबू आती है सोंधी सोंधी वो फ्रेंड आएगी, और तब निमोना बहुत टेस्टी और लजीज बनेगा। तो फ्रेंड बने रहिए मेरे ब्लॉग में, अभी मैं और पानी मिला लूँगी। ये पानी मिला लेना चाहिए क्योंकि इसमें जो है जो पीसने के बाद भी ये जो मोटा मोटा निकलता है ना इसका छिक्कल, वो फ्रेंड मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए ये मैं रेडी कर रही हूँ निमोने का, चलिए तो देख सकते हैं फ्रेंड इसके जो छिक्कल हैं वो मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि ये छिक्कल अगर रहते तो उसमें मज़ा नहीं आती है खाने में, तो फ्रेंड मैंने सारे नमूने के छिक्कल निकाल दिए हैं। वो निमोना बनाएंगे ना देहाती अंदाज में तो फ्रेंड इसको निकाल देना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों को भी अच्छे नहीं लगते, तो जब ये इसका ये अब ये पूरा पूरा लिक्विड टाइप का बन गया है तो ये अब अच्छा लगेगा। ये आप देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है साफ़ सुथरा। तो फ्रेंड जब भी नमूना बनाए तो ऐसा निकाल दीजिए, क्योंकि ये बहुत बेकार लगता है खाने में। ये फ्रेंड मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल, 1 से 1.5 चम्मच आप ले लीजिए, वो सब अपने अपने अकॉर्डिंग होता है, जिसको जैसा पसंद है फ्रेंड। तो मैं हर खाने में हींग जरूर छोड़ती हूँ, थोड़ी सी हींग छोड़ दीजिए। इसके बाद फ्रेंड ये जो मैंने पेस्ट तैयार किया था हरी मिर्च 4 और प्याज के और लहसुन की कलियाँ और गरम मसाला और धनिया, ये सब मैंने इसमें सलौटी से पीस लिया था, क्योंकि देहाती अंदाज में बनाना था। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और इसमें ये छोड़ देते हैं। देखा फिर अब फ्रेंड ये मैं हल्दी छोड़ दूंगी, फिर मैंने हल्दी नहीं पीसी थी, ये पीसी हल्दी थी। तो फ्रेंड अब फ्रेंड इसमें मैं आलू छोड़ूंगी, ये देखिए इसमें आलू छोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड, फ्रेंड आप लोग सोचते हैं पर्दा क्यों लगा है, तो मैं पर्दा के बारे का पर्दे का राज बताती हूँ, क्योंकि फ्रेंड मेरे खिड़की दरवाजे में मुझे कोई दिखना नहीं चाहिए बाहर का, तो मेरी सबसे बड़ी खास आदत ये कि मैं खिड़की दरवाजे देखिए देखिए ये दिखाती हूँ, ये तो दिखता है ना यहाँ से तो मैं अपने खिड़की दरवाजे में पर्दे जरूर लगा के रखती हूँ। अब फ्रेंड इसमें मैं पानी मिक्स कर लूँगी, ठीक है चने का है ना, अभी आप देख सकते हैं ये ऐसे छोड़ दिया। तो फ्रेंड आप देख ही सकते हैं कि मैंने चने में और पानी डाल दिया है, इसको बोलते हैं फ्रेंड निमोना। जो लोग नहीं जानते हैं कुछ लोग जानते हैं, सबकी अपनी अपनी जगह पर बोला जाता है हर चीज़, चने की मतलब जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना हरे वाले चने, उनकी सब्जी को हर इंसान अलग अलग बोलता है, मेरे यहाँ निमोना बोला जाता है। तो फ्रेंड ये देखिएगा, अब इसमें स्वादानुसार नमक छोड़ देंगे, इसमें आप स्वादानुसार नमक, फ्रेंड मैं कम रखती हूँ क्योंकि मेरा कम खाया जाता है नमक, तो मैं अपने घर में तो कम ही रखती हूँ।
फ्रेंड आप लोगों को जैसा भी पसंद हो आप वो बना सकते हैं, मतलब नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं सॉरी। तो अगर आप मेरे ब्लॉग में नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगे ज़रूर करिएगा, क्योंकि निमोना और वो चावल बहुत से लोगों को पसंद है, बहुत से नहीं बहुत 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 लोगों को पसंद है, गांव शहर सबको पसंद है। तो फ्रेंड प्लीज़ जल्दी से लाइक शेयर कमेंट जरूर लिखिएगा। बाय बाय।